सर स्कूल सालाना रिजल्ट माशाल्लाह 100% है सर, डेवी क्लास ही 100% पास हैं, फर्स्ट है इस बार ली जरिए 461 नंबर देते स्टाफ में बैलेंस है। स्टाफ की क्वालिफिकेशन कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, ज्यादा ना ज्यादा तो मास्टर वाले हैं, 4-5 स्टाफ मेंबर मास्टर वाले हैं, कम से कम जो है ना BS या BSc दे। सर मेरी डिग्री है MSc अकाउंट एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। सर शोबा तालीम को तरजीह क्यों दी है, वालदैन दे हवाले नाल मैसेज दे सो के उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए स्कूल दी तामीर और तरक्की दे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट थी ना, पेरेंट को जितनी तवज्जो देनी चाहिए स्टूडेंट की एजुकेशन के ऊपर वो उतना फीडबैक सको नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ई टाइम अस मौजूद हैं यूनियन काउंसिल फोर्ड के अंदर, बकायदा एक तालीमी इदारा दा ईगलाइज हाई स्कूल फोर्ड शरीफ के अंदर। तो को आज मिल वैसूँ उन्होंने प्रिंसिपल साहब हाफिज जियाउल्लाह सिंजरानी साहब के कोलो। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सारा दुआ न्यूज ऑफिशियल दे हवाले नाल सब तो पहले सवाल ये होसी के तुहाड़े इदारे दा आगाज केड़ी तारीख उठी आई? सर 2014 दे पहला सेशन स्टार्ट थे। अच्छा, ई टाइम मौजूदा तुहाड़े स्कूल दी तादाद कितना है? पैफ दे अंदर थे 303, वैसे हुए इजाफी है 380 तक। अच्छा, ए तुहाड़ा स्कूल पैफ दे अंदर मिडल है, प्राइमरी है या हाई है? पैफ दे अंदर मिडल है सर। अच्छा, हाई क्लासेस दे विच तुहाड़े अच्छे और खास तौर ते बड़े ना सुने से के उभरदा हुआ तौर इदारे बड़े अच्छे रिजल्ट आने पे नहीं हमारे नाल हाई क्लासेस भी शुरू की थी पेवे? जी सर, हाई क्लासेस भी शुरू की थी पे, माशाल्लाह डामी दे पेपर और आज आखिरी लास्ट पेपर आ, हाई क्लासेस भी साडे कोल हैं, फीमेल जा क्लास आ जरे डामी डामी जा। तोरे स्कूल दा सालाना रिजल्ट कितना होने? सर स्कूल दा सालाना रिजल्ट माशाल्लाह 100% है सर, डामी जा क्लास ही 100% पास हैं, फर्स्ट है इस बार ली जरिए 461 नंबर देते। अच्छा, तोरे स्कूल दे टोटल तादाद दसा चुके हो, स्टाफ की तादाद तुहरे को पूछना चाहते हैं? 12 स्टाफ में बैलेंस है। स्टाफ की क्वालिफिकेशन कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा? ज्यादा ना ज्यादा तो मास्टर वाले हैं, 4-5 स्टाफ मेंबर मास्टर वाले हैं, कम से कम जो है ना BS या BSc दे। अच्छा अच्छा, इन टाइम तुहरे स्कूल का रकबा कितना है? रकबा है सर जी 1.5 कनाल ते मई। अच्छा अच्छा, इन दे स्कूल दे कमरे की तादाद? कमरे की तादाद सर जी 10 है। अच्छा अच्छा, तोरा स्कूल बकायदा कोई ऐसे इवेंट कोई प्रोग्राम दे हिस्सा गिन दो? जी सर, गैर निसाबी सरगर्मी के अंदर पिछले सेशन उत्ते हिस्सा कीते से यूनियन काउंसिल तक तो पोजीशन हासिल कीते ना सर, दौड़ दे विच भी नाते मुकाबले दे विच भी। अच्छा सर, तुसा इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कीती है, यहां वाले दे नाल बोर्ड दे विच एक बड़ा तोड़ ना है ते क्वालिफिकेशन, तुसा थोड़ा जवला सकलो सेसो सवला तोरे को पूछूं कि केरी तुसा डिग्री हासिल कीती? सर मेरी डिग्री है MSc अकाउंट एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। सर तो शोबा तालीम को तरजीह क्यों दी है? सर साडे ई एरिया दे अंदर शोबा तालीम दे उते बहु ही ऐसा पिछू दे उते है, ई वजह करे सारी कोशिश है के साजा आवण या नसना जरे ना वो कम से कम ई कमी को महसूस न करे। सर आपने स्टाफ को क्या पैगाम दे सोई हमारे नाल? स्टाफ को तो सर पैगाम दे दे के वो मेहनत ला के स्टूडेंट को पढ़ावन, उन दे उते मेहनत करन, रिजल्ट देवन। अच्छा, तुहाड़े इलाके दी आवाम दा क्या तुहाड़े नाल तामोने या वाले नाल तुहाड़े उन्होंने ज़हन मिलदन तुहाड़े नाल कंट्रीब्यूशन करन ने या ज़लील और ख्वार करन ने या वाले नाल? थोड़ा जो सवाल ऐसा है अक्सो के मेरे इलाके दी आवाम नाल आखन लागे, लेकिन मैं भी या वाले नाल थोड़ा जा मजीद तो आकू ए वक्त च नहीं पावन जाना, बारा थोड़ा जा वालदैन दे हवाले नाल मैसेज दे सो के उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए स्कूल दी तामीर और तरक्की दे हवाले नाल। साडे कोलो सही वालदैन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट थी ना, पेरेंट को जितनी तवज्जो देनी चाहिए स्टूडेंट की एजुकेशन के ऊपर वो उतना फीडबैक सको नहीं मिलता। वालदैन के सारी गुजारिश है कि कम से कम वो अपने नस्ले को जरा ना ई एजुकेशन फील्ड के ऊपर भी घेन आवन और उन्हें दी बेहतर तरबियत दे किते वो बड़ा अच्छा काम कर करन, बेहतर तरबियत दे। हाफिज जियाउल्लाह साहब ई हवाले नाल साकू बकायदा एक खुल के इजहार कीते, लेकिन अपने स्टाफ के हवाले नाल कुछ सकूं दसेसो के उन्हें कोई पैगाम दसो या हवाले नाल तुहाड़े नाल शाना बशाना जो खड़े रिजल्ट तुहाड़े ने या तुहाड़े स्टाफ के उत्ते वेंदन या बच्चे के उत्ते वेंदन या हवाले नाल थोड़ी जी रोशनी पैसो? सर जेरा भी स्कूल है, असल चीज जेरे ना होंदी है टीम वर्क, एक ना कल्ला प्रिंसिपल इदारा चला सकदे ना जस्ट स्टूडेंट चला सकदे, जे तक टीचर दी मेहनत शामिल नथी सी उंदे अंदर
ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਆਵਣ ਸਟਾਫ ਕਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਓ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਆਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਆ ਨਿਊਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਥੀਨੀ ਪਈ 20 ਮਾਰਚ ਕਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਉਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਥੀ ਗਏ ਪੈਫ ਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀ ਗਏ ਪੈਫ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਫਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹਨ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਲੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਜਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸੇ ਦਾਈ ਗਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਬੋਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਸਿੰਗਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਨਿਊਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕਾ ਹਮਾਰਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।